देसी मिर्ची तड़का में आप सभी का स्वागत है। ये तिल है, आज इसी तिल से मिल्क केक बनाने जा रही हूँ। अब देख सकते हैं, इसको थोड़ी सी 2 कप मैं यहाँ तिल ली हूँ, आगे दिखाती हूँ। इसको मैं थोड़ी सी भून लेती हूँ कढ़ाही में। देख सकते हैं कढ़ाही है, तिल को मैं डाल दे रही हूँ थोड़ी सी। इसको हल्की सी भूनना है, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी धीमी आंच पर, ताकि इसमें कलर जो है अच्छी सी आ जाए हल्की सी। और जब मिल्क केक जब बनाते हैं तिल का, तो थोड़ी सी अगर नहीं भूनते हैं तो उसमें तिल का स्मेल आती है, इसलिए थोड़ी सी इसको भूनना है। बस 2 मिनट लगी, देख सकते हैं भुना गई है। मैं इसे थोड़ी ठंडी होने के लिए छोड़ देती हूँ, ताकि एक बार ग्राइंडर में चला सकूं। ये देखिए, जब भुना जाती है तो इस तरह से करने से हाथ से मिस जाती है, और अगर नहीं भुनाई रहेगी तो नहीं मिसेगा, नहीं मिसाएगा। देख सकते हैं मेरी थोड़ी सी यहाँ बादाम में डाल रही हूँ, इसे भी थोड़ी सी हल्की सी चला लेती हूँ, गरम कर लेती हूँ, ताकि मेरे जो तिल का केक है वो तिल केक बहुत आसानी से और बहुत अच्छी से बने, इसलिए मैं यहाँ पर हल्की सी थोड़ी सी गर्म इसे भी कर लेती हूँ और चलाती हूँ। आगे मैं दिखाती हूँ कि कैसे बनाना है तिल का केक। गर्मी में तो नहीं खाया जाता है, सर्दियों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। आप एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा, क्योंकि बादाम में गर्मी करता है और तिल भी गर्मी करता है, इसलिए सर्दियों में एक बार ज़रूर बना के खाइएगा। इससे हड्डी में दर्द जो होती है वो ठीक हो जाती है, और भी बहुत सारे चीज़ बीमारी ठीक हो जाते हैं, जोड़ों का दर्द भी ठीक होती है। एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। देख सकते हैं मैं 1 कप चीनी डाल रही हूँ। यहाँ 1 कप मेरी थी, 2 कप थी मेरी यहाँ पर तिल, और मैं यहाँ 1 कप चीनी डाल रही हूँ। थोड़ी सी हल्की सी पानी डाल रही हूँ, ताकि मेरी जो चाशनी है वो अच्छी सी बन सके। मैं यहाँ पर थोड़ी सी मैं चीनी डाल रही हूँ 1 उबाल आने तक। यहाँ पे थोड़ी सी इलायची डाल दे रही हूँ। इलायची डालने से चाशनी में थोड़ी सी पीसी हुई मैं नहीं डाली थी, ऐसे तोड़ करके मैं डाल दी थी चाशनी में। ज्यादा नहीं, हल्की सी, ये देखिए हल्की सी हो चुकी है, ये देख सकते हैं। ये मिल्क पाउडर है 1 कप, और तिल को भी देख सकते हैं। ये बादाम जो है बारीक पिसली मिर्ची में, और ये जो है तिल, इसको भी तिल का केक बनाने के लिए इसी तरह से बारीक पीस लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं, बारीक हल्की सी पीसना है, और सारा को इस तरह से धीरे से मिला देना है, और पाउडर मिल्क पाउडर को भी मिला देना है। बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही, तनी मनी नहीं, बहुत ही। एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा बना करके, बहुत ही टेस्टी लगती है, बार बार बनाने का इच्छा करेगी। मैं यहाँ ना घी डाली हूँ, किसी चीज का मैं कुछ भी यहाँ पर इस्तेमाल नहीं की हूँ, केवल मैं यहाँ पर तिल का केक बनाने के लिए तिल की लिए हूँ। और ये देखिए कढ़ाही मेरी बहुत ही, काजू कतली भी फेल हो जाएगी इस तरह से। आप एक बार बना करके देखिएगा ना, बहुत ही टेस्टी लगती है, यकीन मानिए बहुत ही। एक बार जरूर ट्राई करिएगा। ये देखिए मेरा तो सारा मेल्ट हो गई है। दिक्कत ही नहीं है,
देख सकते हैं पूरी लटक रही है। देखना है इस तरीके से गोला बन रहा है कि नहीं हाथ में लेकर के। अब मेरे ये तैयार हो गई है तिल का केक। अब मैं किसी बर्तन में निकाल लेती हूँ और इसके बाद आगे दिखाती हूँ। देखिए इसमें थोड़ी सी घी डाल दीजिए या तो फिर कोई भी चीज़ आप इसमें थोड़ी सी लगा सकते हैं। और देख सकते हैं इसी तरीके से लगा देना है। और तरीके से लगा के रख देना है। सेट हो जाए, सेट होने के लिए या तो आप हाथ से कर सकते हैं या तो कटोरी से कर सकते हैं या किसी चीज से आप इसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चम्मच से भी कर सकते हैं, आराम से सेट हो जाती है। आप इसमें चाहे आप किसी भी चीज से लगा सकते हैं और सेट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही टेस्टी लगती है मिल्क केक। मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ सेट होने के लिए। मैं फ्रिज में भी नहीं रखूँगी क्योंकि मैं यहाँ पर नॉर्मल में ही रख रही हूँ ताकि ये ठंडी हो जाए और काटने लायक हो जाए। देखिए सेट हो गई, थोड़ी सी ठंडी हो गई है तिल का केक। इस तरीके से आप कर सकते हैं। काजू कतली भी फेल हो जाती है अगर इस तरीके से आप बनाते हैं। कट कर लेना है, आप चाहे जिस तरह से भी आप शेप दे सकते हैं, छोटा बड़ा किसी तरीके से भी आप दे सकते हैं। बहुत ही यकीन मानिए बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही टेस्टी बनती है। एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा कि किस तरह से बनी है ये तिल का केक। काजू कतली तो आप लोग बहुत भी बनाए हैं पर एक बार ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। इसमें आप चाहे आप जो चाहे सजा सकते हैं और तैयार कर सकते हैं। ठंडी के लिए तो एकदम एक नंबर वन मिठाई है। एक बार जरूर ट्राई करिएगा और बहुत अच्छा लगे तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और